टुडे आई टॉक अबाउट ऑल द स्ट्रगल्स आई फेस्ड जब से मैं कोरिया में आई हूँ, या आप ये भी कह सकते हो कि वो जो अजीब चीजें मैंने फेस की हैं जो कि मुझे कोरिया आने के पहले नहीं पता थी। बिलिंग, हम जब भी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं एंड एक बिल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर एक बिल आता है एंड जितने भी लोग होते हैं उन्होंने, अगर एक इंसान ने दो कॉफी ऑर्डर की है तो वो दो ही कॉफी का बिल देगा, किसी और की कॉफी का बिल नहीं देगा, चाहे वो 10 won ही क्यों ना हो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग थोड़े से कंजूस हैं। कंजूस भी नहीं, मैं बोलूंगी बहुत प्रैक्टिकल है। ना वो किसी के लिए पैसे देते हैं, ना वो किसी को पैसे लेने देते हैं। कैफे कल्चर एक चीज और बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब भी स्कूल की छुट्टी होती है या फिर कॉलेज की छुट्टी होती है या फिर कोई 9 to 5 के बाद कहाँ जाएगा बताओ, घर जाएगा ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग कैफे जाएंगे, रेस्टोरेंट्स जाएंगे, बारबेक्यू जाएंगे एंड यहाँ पे रोज मोस्टली लोग बाहर ही खाना खाते हैं। तो मतलब इट्स अ रेगुलर रूटीन कि रोज शाम को बाहर जाना ही है एंड कैफे में खाना खाना ही है। मेरे लिए शुरुआत में तो ठीक था, बट अगर मैं 3-4 दिन लगातार बाहर का खाना खा लूँ तो मेरी तबीयत तो खराब हो जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग में तो गई, बट उसके बाद आई प्रेफर ईटिंग फूड एट होम। तो ये चीज भी यहाँ पे है। प्लस एक चीज और है, अगर आप उनके साथ बाहर कैफे में नहीं जाओगे तो इट्स लाइक यू आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। एंड इनके ग्रुप में यूजुअली क्या बातें होती हैं दूसरों के बारे में। इन लोगों को अपने बॉयस की लाइफ, अपने बॉयस की वाइफ की लाइफ, उसकी वाइफ की लाइफ, अपने फ्रेंड के वाइफ के भतीजे की बहन की वाइफ, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इन शॉर्ट इनको अपनी लाइफ के अलावा दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सब लोग यहाँ पे गॉसिप क्वींस हैं। तो ये भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट है। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला जो कि मुझे पहले नहीं पता था। बट हाँ, कुछ के ड्रामाज में ज़रूर दिखाते हैं कि सब लोग ड्रिंक करते हुए गॉसिप करते हैं। नहीं, शायद वैसा ही कुछ है। कॉफ़ी कल्चर यहाँ पे ना एक चीज़ और थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं बोलूँगी। मतलब आई लव कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा -20 degree टेम्परेचर था, उसमें भी आइस्ड कॉफी पीते हैं। आइस्ड अमेरिकानो सबका फेवरेट है यहाँ पे, 110% बता रही हूँ मैं। हर इंसान को सिर्फ एक ही कॉफी बहुत पसंद है, वो है आइस्ड अमेरिकानो। नो मैटर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही हो, बहुत तेज बारिश हो रही हो, ये कॉफी तो फेवरेट ही रहती है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे एक इंसान को एक दिन में 4 बार कॉफी पीनी होती है। मुझे कॉफी पसंद है बट मेरा 1 to 2 बार मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 4 बार तो रहता ही है। एंड ये लोग ऑफिस में जब भी ब्रेक लेते हैं एक कॉफी का मग लेने के लिए, ये लोग 2 to 3 kilometers वॉक करते हैं। मैं पूरे दिन में 2 to 3 kilometers वॉक करती थी, यहाँ पे रोज रेगुलरली ही 10 kilometers वॉक कर लेते हैं। एंड इट्स कॉमन फॉर देम, इसीलिए यहाँ पे सब दुबले पतले, मैं बता रही हूँ आपको, ये सीक्रेट है इनका। तो मैं रोज रोज तो वॉक करके नहीं जा सकती थी, 3-4 दिन गई, उसके बाद मैंने कहा मैं दिन में एक ही बार कॉफी पीऊँ। तो एक दिन में इतना वॉक तो अच्छी बात है, तो मैं उतना ही जाती हूँ एंड बाकी मैं मना कर देती हूँ। एंड ये चीज भी है कि यहाँ पे अगर किसी चीज के लिए बार बार मना कर दो एंड मोस्टली अगर सीनियर हो और सीनियर को मना करो तो इट्स काइंड ऑफ रूड। तो ये भी एक दिक्कत थी कि मतलब ज्यादा मना करो एंड वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनके हिसाब से आई एम बीइंग रूड। तो मुझे बहुत ही प्यार से समझाना पड़ता है एंड 100 बार सॉरी बोलना पड़ता है, तब होता है। एंड सीनियर्स को सॉरी कैसे बोलना है, मियां ने हो बोलना है, जोसंगे हो बोलना है, कि एग्जैक्टली क्या बोलना है, उसके लिए मेरी शॉर्ट देखो, ठीक है, बोथ हैंड। तो एक दिन मैं एक इयररिंग स्टोर गई थी। अब इयररिंग तो इतनी बड़ी सी होती है एंड मुझे उसे देना था बिलिंग के लिए, तो मैंने यूं करके दे दी लीजिए। तो मैंने दे तो दी बट वो बंदा मुझे ऐसे ही देख रहा था, ठीक। फिर उसने मुझे पैक करके दोबारा दी दोनों हाथ से यूं झुक के। तो आई रियलाइज्ड ओ शायद इसने देख रहा था। फिर मैंने उसको ऐसे खमसामेदा बोला, तब वो खुश हो गया। एंड उसके बाद मैं भूल गई थी मुझे एक और इयररिंग चाहिए थी, तो मैं फिर से गई एंड फिर से गलती से ना हैबिट में होता है एक ही हाथ कर दिया, तो उसने हाथ ही नहीं आगे बढ़ाया और मेरे और उसके बीच में 10 मिनट का साइलेंस था यूं। एंड उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने दोनों हाथ नहीं यूज किए। तो फिर मैंने उस इयररिंग को यूं पकड़ के यूं किया, फिर मैंने बोला खमसामीदा, तब वो खुश हुआ और उसके बाद उसने मेरी इयररिंग का बिल दिया। तो एक ये चीज भी है कि यहाँ पे सब कुछ लोग दोनों हाथ से करना पसंद करते हैं। अब सीधी सी बात है, हमें कोई नमस्ते कर रहा है तो नमस्ते ऐसे की बजाय यूं करे, नमस्ते, तो कैसा लगेगा, फनी लगेगा ना। शायद उनके लिए भी वो चीज वैसी थी। कोल्ड टेम्परेचर,
कोरिया में एक बात का और आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे सर्दी के मौसम में आ रहे हो एंड आपको लगता है यहाँ पे टेम्परेचर -10 degrees तक होगा क्योंकि इंटरनेट पे यही दिखाता है, तो की होगा -10 होगा बट -20 भी जाएगा एंड उस टाइम फील्स लाइक -26 degrees होगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ तो गिरती है बट बहुत तेज हवाएं होती है, तो नो मैटर आप जितना भी कपड़ा लाओ वो कम ही पड़ेगा। तो इस मामले में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि कौन सी क्लोथिंग सबसे अच्छी है कौन सी नहीं है, एंड अगर बहुत ज्यादा जाना है तो आई विल हेल्प यू, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कौन से ब्रांड का कौन सा कपड़ा खरीदना है। तो फिर जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मुझे लगा था हाँ ठीक है -10 degrees ही होगा, क्या ही दिक्कत होगी, मफलर था, ग्लव्स थे, कोट था, हाई नेक था, लेगिंग्स थी मेरे पास, इनर थे, और क्या होता है सर्दियों के कपड़ों में बताना, इतना ही तो होता है। लेकिन वो भी कम पड़ गया था, मुझे पैर में अपने इनर के ऊपर लेगिंग के ऊपर जीन्स पहननी पड़ती थी, 3 layer नीचे पैर में, मैं 6 to 7 layers ऊपर पहनती थी, 2 gloves पहनती थी, तब मुझे ठीक ठाक लगता था बट स्टिल मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। एंड वहीं पे यहाँ पे जो कोरियन बंदी है वो मिनी स्कर्ट पहन के घूमती थी, मैं तो उनको सच में हैट्स ऑफ देती हूँ, मतलब कैसे मुझे नहीं पता, बट एक तो अच्छी तो लगती है आई अग्री, बट यार इतना करेज नहीं है मेरे अंदर, मेरी टांगों में मुझे बहुत ठंड लगती है बहुत ज्यादा। अब ये वाली बात तो सबको पता ही है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन की दिक्कत तो आई, जैसे जो हमारी एज की यूथ है उनको इंग्लिश आती है एंड आप अगर किसी भी प्रोनाउंसिएशन में कोरियन बोलोगे तो उनको समझ भी आ जाएगा, बट जैसे मैं किसी भी एजेड इंसान से बात करती थी एंड मैं अपनी टूटी फूटी कोरियन में भी बात करती थी तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे में इंडियन एक्सेंट आ ही जाता है, तो उनको कोरियन ही नहीं समझ आती थी। जैसे कि मैंने पूछा उनसे मैकडोनल्ड्स कहाँ है, तो मैकडोनल्ड्स कोरिया में मैकडोनल्ड होता है, अब मैं मैकडोनल्ड्स कर रही हूँ, मैकडी बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ना यहाँ मैकडोनल्ड्स है या ना यहाँ मैकडी है, यहाँ पे सिर्फ मैकडोनल्ड है। तो मैकडोनल्ड एंड मैकडोनल्ड और मैकडी में बहुत डिफरेंस है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना एंड यहाँ आने के पहले थोड़ी बहुत कोरियन सीख लेना। एक दिक्कत मुझे अभी भी लगती है वो है फूड की, मतलब फूड एक ऐसी चीज है जो मुझे पहले नहीं लगता था कि इतना बड़ा इशू होगा, बिकॉज आई एम समवन जो के ड्रामा कोरियन के पॉप कल्चर को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर, एंड मेरे हिसाब से कोरियन फूड इज हियर, बट यहाँ पे आने के बाद आई रियलाइज्ड कि मेरे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप नहीं हुए, मतलब अच्छा है कोरियन फूड बहुत अच्छा है लेकिन मैं सब कुछ नहीं खा सकती। इंडिया में मैं नॉनवेज के नाम पे सिर्फ चिकन खाती थी एंड यहाँ पे सी फूड, रॉ फूड, बॉइल्ड फूड मैं नहीं खा सकती, मैं इवन हैम नहीं खा सकती हूँ रॉ, मुझे वो भी स्मोक्ड चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नॉनवेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना। तो मैं मैकडोनल्ड्स गई थी एंड आई थॉट वहाँ पे मैक आलू टिक्की तो होगा ही, एंड आई आस्क्ड फॉर वेज बर्गर एंड उनके हिसाब से वेज मतलब होता है चिकन और सी फूड एंड नॉन वेज में बीफ एंड बाकी सारी चीजें आती हैं। तो आप समझ जाओ यहाँ पे वेज का क्या है, एंड मैं मोस्टली दाल चावल खाने वाली पर्सन हूँ, मोस्टली वेजिटेरियन फूड, सो फिर मेरे लिए इट वॉज क्वाइट हार्ड यहाँ पे एडजस्ट करना। तो मैं आपको इस चीज पे एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 1-2 महीने के लिए तो आप कप नूडल्स के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ ज्यादा टाइम के लिए आ रहे हो एंड आप स्टे करने आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने लोकल मसाला जो नहीं होते हैं करी वगैरह बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए, जो टेस्ट शायद आपको उस टाइम उतना अच्छा ना लगे बट उससे दूर रह के आपको घर की एक याद आ जाए, तो वो वाले मसाले एक बार ले आना जिससे कि थोड़ा सा घर की याद कम आएगी। तो ये एक रिकमेंडेशन है मेरी आपके लिए। ट्रैफिक, सो जब मैं नई नई कोरिया आई थी सो आई वॉजंट अवेयर कि यहाँ के ट्रैफिक रूल्स क्या है, हमें बस इतना ही पता है कि जब रेड लाइट हो तो स्टॉप, ग्रीन लाइट हो तो चल दो, उससे ज्यादा क्या है। बट एक चीज है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी, वो थी यहाँ की कार स्पीड। जब भी मैं बस में ट्रैवल करती थी और बाय चांस अगर मैं खड़ी हुई हूँ, वो जो डंडा पकड़ के नहीं बस में खड़े रहते हैं उस टाइप से, एंड अगर बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो मैं 1 meter आगे ही मिलती थी, फिर मेरे आगे जितने लोग हो उनकी तो चटनी ही बननी है, दैट्स इट। यार मैं क्या करूँ, कोई एकदम से ब्रेक कैसे मार देता है भाई, मतलब वहाँ पे रेड बटन होता है और किसी ने भी वो रेड बटन दबाया बस वाला एकदम से ब्रेक मार देगा बिल्कुल, ऐसे क्यों पता नहीं, बट इसकी वजह से कई बार मुझे हाथ में भी चोट लग गई, बैक पे भी चोट लग गई, तो फिर मैंने बस से जाना ही छोड़ दिया, फिर मैं मेट्रो से ही जाती हूँ। इस चीज का भी ध्यान देना कि अगर आप बस वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर किसी भी कैब में बैठोगे तो लोग बहुत तेज एकदम से स्पीड तेज हो जाएगी सुपरसोनिक बूम जैसे और एकदम से ही ब्रेक लगा देते हैं। तो ये भी कुछ था। तो इस मेट्रो वाली बात से मुझे ये याद आया, एक दिन आई वॉज ट्रैवलिंग इन मेट्रो एंड आई सैट ऑन दिस
ओल्ड एज वाली सीट. कोरिया में जो मेट्रो होती है यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप की सीट होती है, और आई वुड से चार टाइप की होती है. एक नॉर्मल लोगों के लिए, एक हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एंड एक ओल्ड एज लोगों के लिए. तो मतलब कोई भी नहीं था मेट्रो में. रात के 12:30 या 11 बज रहे थे एंड इट वॉज लास्ट मेट्रो. कोई भी नहीं था तो ओल्ड एज वाली सीट पे मैं बैठ गई क्योंकि वो खाली थी. बट तभी मुझे एक आंटी जी ने बोला कि दिस इज नॉट राइट, ये नहीं करना चाहिए. तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर मैंने यही जाके अपनी फ्रेंड को बताया तो उसने बोला कि अगर कोई नहीं भी है तो प्रेफर सिटिंग ऑन योर ओन सीट क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है कई लोगों के लिए. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी, और क्या ही कह सकते हैं. तो आप इस चीज का भी ध्यान देना. प्लस मेट्रो में एक चीज और ध्यान देने वाली है, मैं जब भी मेट्रो में आती हूँ तो इट टेक्स 1 or 1.5 hours टू रीच माई प्लेस. ठीक है, तो घर पे जो भी बात करनी होती है मैं सोचती हूँ मेट्रो में ही कर लूँ. तो स्टार्टिंग में मुझे ये बात नहीं पता थी तो मैं घर पे मम्मी को वीडियो कॉल करती थी एंड मस्त होके बात करती थी. हाँ मम्मी बताओ क्या चल रहा है, हम यहाँ पे यही करेंगे ना, तो मैं वहाँ पे भी यही कर रही हूँ. देन आई रियलाइज्ड मेरे अलावा पूरी मेट्रो में कोई कुछ बोलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं. पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग ईयरफोन्स लगा के खुद ही फोन में घुसे रहते हैं, दैट्स इट. एंड कोई बगल वाले से भी बात करनी होता है तो ऐसे बात करते, समझ आया, ऐसे ही. यार मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे लोग कम बात करते हैं या बात ही नहीं करते हैं. तो उनके लिए दिस इज ऑल्सो अ वे टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स कि हम किसी की स्पेस की रिस्पेक्ट करें एंड पब्लिक प्लेसेस पे ज्यादा बात ना करें. तो आप जब भी मेट्रो में जाओगे एंड लोग शांत होंगे या फिर बस में लोग शांत होंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं करता है, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको किसी और के लिए डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है. तो ये भी एक नई चीज थी जो मैंने यहाँ आके रियलाइज. डस्टबिन, तो मेरा कोरिया में पहला दिन था और मैंने एक सीवीएस स्टोर से जाके एक आइसक्रीम ली. अब आइसक्रीम में तो रैपर होता ही है ना, तो आइसक्रीम तो खा ली मैंने. फिर मैं उसका रैपर फेंकने के लिए इधर से उधर घूम रही थी एंड डस्टबिन ढूंढ रही थी कि ग्रीन या ब्लू या किसी भी कलर का डस्टबिन तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज के डस्टबिन होते हैं, राइट. बट मुझे यार डस्टबिन मिला ही नहीं, कहीं भी नहीं मिला. फिर मैं दोबारा उसी वापस स्टोर में गई एंड मैंने उसी स्टोर के डस्टबिन में जाके डाला अंदर. मतलब जो मेरी फ्रेंड थी मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, डस्टबिन क्यों नहीं है. तो उसने बताया कि डस्टबिन मोस्टली घर पे ही होते हैं एंड जो भी सामान होता है हम लोग एक बैग में भर लेते हैं एंड वो बैग घर ले जाके फिर फेंक देते हैं. तो ये भी एक चीज है जो मुझे यहाँ आके पता चली कि पहले डस्टबिन थे बट उन डस्टबिन के आसपास ही बहुत ज्यादा कचरा हो जाता था जैसे हमारे यहाँ होता है. तो उन्होंने डस्टबिन ही हटा दिए एंड अब लोग कचरा मोस्टली घर ले जाते हैं या फिर ऐसे कोई स्टोर्स में या फिर वो जो होते नहीं है जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके पास जाके फेंक देते हैं. तो ये भी एक चीज, अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो घबराना मत, चुपचाप कचरा लेके घर चले जाना फिर वहां से फेंक देना, ठीक है. अल्कोहल स्ट्रगल्स, सो वन डे मैं मेट्रो में जा रही थी. मेरी मेट्रो की कहानियां इसलिए इतनी बहुत हैं क्योंकि मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती हूँ. तो मैं मेट्रो में जा रही थी एंड यहाँ पे एक बंदी थी जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी. तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी बात करूंगी, नई फ्रेंड बनाऊंगी. तो वो कुछ कह रही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो मुझे एकदम से लगा कि मुझे जितनी कोरियन आती है ना मैं शायद वो भी भूल गई हूँ. लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि वो ड्रंक थी. तो यहाँ पे ड्रिंक करना पब्लिक प्लेसेस में एंड ड्रिंक करके घूमना इज वेरी कॉमन. एंड यहाँ के जो जनरल स्टोर होते हैं, कोरिया के जनरल स्टोर इज मोस्टली सीवीएस स्टोर. तो यहाँ के हर सीवीएस स्टोर में आपको सोजू, बियर मतलब बेगजू, ये सब चीजें मिल जाती हैं. आपको बस 18+ होना चाहिए एंड फिर आप ड्रिंक करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं. बट ड्रिंक करना बहुत गंदी चीज है, मत करना. यहाँ का कल्चर ऐसा है, वो बात अलग है. तो यहाँ पे मोस्टली हर जनरल स्टोर में अल्कोहल मिल ही जाता है एंड यहाँ पे स्ट्रीट पे अल्कोहल मिलना एंड पीना इज लीगल. तो लोग स्ट्रीट पे आपको ऐसे ही खौन बे करते हुए मिल जाएंगे. तो ये चीज भी है जो हमारे यहाँ देखा जाए तो इलीगल है बाहर कहीं भी पीना. हमारे यहाँ या तो रेस्टोरेंट्स या तो घर पे अल्कोहल लोग पीते हैं. तो ये कल्चरल डिफरेंस था जो यहाँ आके मैंने देखा और मुझे पता चला. तो ये भी एक चीज है, नई चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की यहाँ आके. डिटर्जेंट, मतलब अभी तो सर्दियां थी अब गर्मियां आ गई हैं तो अब बहुत रेगुलरली कपड़े धोने पड़ते हैं. तो अब कपड़े में निशान तो पड़ेगा ही, अब मैं खाना खाऊंगी तो. हमारे यहाँ कपड़े धोने के लिए क्या क्या होता था, आला, ब्लीच, वैनिश, वॉशिंग पाउडर, रिन, साबुन, कितनी सारी चीजें होती थी. बट यहाँ पे जब मैं डिटर्जेंट लेने गई ना तो यहाँ सिर्फ एक चीज मिलती है, वॉशिंग मशीन का लिक्विड, दैट्स इट. एंड उससे छूटता है लेकिन वो दाग नहीं छूटता है. मैंने डिटर्जेंट को कपड़े के ऊपर डाल के बहुत देर तक छोड़ा भी, वो तब भी दाग नहीं छूटता है.
तो ये चीज भी है कि यहाँ के डिटर्जेंट वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या तो मुझे ठीक से आता नहीं। तो मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मैं वहां से रिन साबुन उठा लाई थी जिससे कि मैं कॉलर वगैरह पे वाइट करने के लिए लगा। तो एक ये चीज भी है कि अगर आपको कुछ स्ट्रांग डिटर्जेंट पता हो तो देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता हो तो अपना वाला उठा लाना। सिंपल। रेड इंक। तो मेरी ना एक आदत है कि मैं बहुत सारे कलर के पेन अपने साथ बैग में लेके चलती हूँ। तो मुझे ये एक फॉर्म भरना था तो ठीक है, तो मैंने एक रैंडम पेन निकाला और ऐसे मोस्टली मेरे पेन्स ऐसे ही होते हैं, आप देख रहे हो कितने सारे कलर, एंड बाय चांस गलती से वो ये वाला पेन निकल गया था एंड दिस इज रेड इंक। तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर तो दिया एंड उनको मैंने दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मुझे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा बिकॉज रेड इंक इज नॉट एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ भी रेड इंक एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स का सिग्नेचर मोस्टली रेड इंक से होता है इन स्कूल, राइट। बट यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल सुपरस्टिशन वाला है कि मतलब रेड इंक से लिखो तो इट्स कंसिडर्ड अ बैड लक। तो ये मुझे नहीं पता था, तो एंड इट्स टेकन वेरी सीरियसली कि मतलब किसी भी आप ऑफिशियल फॉर्म पे भी कर रहे हो या फिर किसी कॉलेज के फॉर्म पे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे या फिर ऑफिस डॉक्यूमेंट पे, तो रेड इंक से नाम वगैरह लिखना इज नॉट कंसिडर्ड राइट। तो इस चीज को भी ध्यान देना कि मतलब ठीक है कोई आपको बहुत नहीं नहीं मत करो नहीं बोलेगा, बट यस मतलब एक सर्टेन एज के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बस यही है। मुझे एक फॉर्म दोबारा भरना पड़ा था जस्ट कॉज ऑफ रेड इंक। तो एक ये भी एक छोटा सा स्ट्रगल था मेरा। तो ये थे मेरे छोटे मोटे स्ट्रगल्स जब से मैं यहाँ पे आई थी उसके लिए। इतने सारे स्ट्रगल्स के बारे में बात करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग गई है एंड मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कोरिया में समोसा मिलेगा? अगर आपको पता करना है कि मुझे समोसा भी जाके मिलता है कि नहीं तो क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर।